हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग ये वीडियो देखें। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 मई फ्राइडे वाले दिन एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ पाकिस्तान में, कि लाहौर से कराची फ़्लाइट जा रही थी और क्रैश हो गया प्लेन। तो उसी से रिलेटेड गौरव तनेजा सर ने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि वो खुद भी एक पायलट हैं, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते होंगे। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें ना देखूँ, क्योंकि आप काफ़ी, ये बहुत एक बड़ा हादसा था। मैंने वैसे इस हादसे से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स देखे हैं, लेकिन गौरव सर इसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में हम जो है उनकी वीडियो देख के जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक व्लॉग ना होके, वी गोना टॉक अबाउट द पाकिस्तान फ्लाइट क्रैश व्हिच हैपेंड अ कपल ऑफ डेज अगो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जिन लोग ये चैनल पे नए हैं, बता दूँ मेरा नाम है गौरव, आई एम एन एयरलाइन कैप्टन, माय वाइफ आल्सो फ्लाइज एज अ कैप्टन, एंड वी बोथ फ्लाई द सेम एयरक्राफ्ट विच इज़ एयरबस 320 पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जो कि क्रैश हुआ था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आई विल नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन्स, बट ये वीडियो सिर्फ एक पायलट्स परस्पेक्टिव देने के लिए आप लोगों को। फ्लाइट वॉज ऑपरेटेड बाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरबस 320, 99 पीपल वर ऑन बोर्ड, 91 पैसेंजर्स प्लस 8 क्रू। इसका क्रैश हुआ कराची में रनवे के जस्ट पहले। कराची में दो पैरेलल रनवेज हैं, 25 लेफ्ट और 25 राइट। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन था अल्फा पापा ब्रावो लीमा डेल्टा। लुक्स लाइक द एयरक्राफ्ट स्टॉल्ड बिफोर द क्रैश। वॉट इज स्टॉलिंग? स्टॉलिंग मतलब जब एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा होता। It is in the air, it is not producing any lift, it is just falling like this. Obviously, the crash happened near the residential area. Actually, also the aircraft was 15-year-old aircraft, first used in service in 2004. Crashed on approach near Karachi. Departed from Lahore at 1:08 PM in the afternoon. Was supposed to land in Karachi at 2:45 PM in the afternoon. Jab crash hua, uske pehle pilot ne bola tha ki uski pehli approach is going around. He wants to come back on another landing. The PIA official said pilots and crew were all qualified, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे यहाँ पर लॉकडाउन में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया था, वैसे पाकिस्तान में बंद किया गया था। जैसे ही खोला गया उसके एक दो दिन के अंदर अंदर ये क्रैश हुआ है। गाइस, आपकी स्क्रीन पर मैं एक अप्रोच प्लेट डाल रहा हूँ। अप्रोच प्लेट क्या होती है? एक प्रोसीजर होता है जो पायलट्स यूज़ करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। आई नो ये बहुत कन्फ्यूजिंग दिख रहा है, बहुत नंबर्स दिख रहे हैं इसमें, बस स्टे विद मी। मैं आपको इसमें एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जब पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो एवरीथिंग विल मेक मच मोर सेंस। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दी अप्रोच चार्ट। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये डायग्राम है, दिस इज़ द फाइनल प्रोफाइल ऑफ द लैंडिंग। अगर आपको जो पॉइंट दिख रहा है D6.1, वहाँ पे आपको होना है 2000 फीट और 2000 फीट के ऊपर ना नीचे। ऊपर होंगे तो आप हाई हो जाएंगे, नीचे होंगे ऑब्वियसली आप लो हो जाएंगे। सो 6 माइल लमसम रनवे से आपको होना है 2000 फीट। अब हम लोग चलते हैं ATC और पायलट की क्या कम्युनिकेशन हुई। ये कम्युनिकेशन मैंने बहुत बार सुनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं फिर से बता दूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इज माई एनालिसिस। इसमें बहुत सारे मैंने एजम्पशंस भी किए हैं। So T238 is some other aircraft. We are comfortable, we can make it. So इसका मतलब ये है कि पायलट कह रहा है कि हम लोग कम्फर्टेबल है, हमारी हाइट, ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी विल बी एबल टू मेक इट। We are comfortable now and we are out of 3500 for 3000 established islands, 25 left. So when he says we are comfortable now out of 3000, ये altitude की बात हो रही है कि 3500 feet से descend कर रहे हैं 3000 feet के लिए, established ILS 25 left. And what do you mean by established ILS 25 left? Let me explain to you what is ILS, which is the instrument landing system. This is the runway center line. So if I extend the runway center line like this, so the ILS system will bring the aircraft on the center line. तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, aircraft को ऐसे सीधाई में ला के छोड़ देगा। इस साइड से आ रहे हैं तो aircraft को ऐसे सीधाई में ला के छोड़ देगा। So to land at the runway, you should be obviously aligned with the runway, and also you should be at a certain profile which is called the glide path. I'm not going into technicalities. आपको मैं समझाऊंगा basic simple English language में। अगर आपका aircraft का यहाँ पे है, that means you are low on the approach. अगर आपका aircraft का यहाँ पे है, that means you are high on the approach. अगर आप high आएंगे तो आप यहाँ touchdown नहीं करेंगे, आप कहीं यहाँ touchdown करेंगे तो obviously the runway is not enough for you to stop. अगर आप low आएंगे तो आप runway पे touch ही नहीं कर पाएंगे, आप कहीं यहाँ टच करेंगे और आप क्रैश हो जाएंगे। सो व्हेन द पायलट सेज वी आर आउट ऑफ 3500 टू 3000 एस्टैब्लिश्ड आईएलएस 25 लेफ्ट,
मतलब ये रनवे अगर 25 लेफ्ट है, ही इज एस्टैब्लिश्ड द लोकलाइजर, ही एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर एंड ऑन द ग्लाइडर, मतलब वो रनवे की सिधाई में है और वो प्रॉपर ऑल्टीट्यूड में है विच इज परफेक्ट फॉर लैंडिंग। ATC is saying here turn left heading 180, but the pilot is saying that we are established on ILS 25 left. Usually these both are contradicting. अगर आप established हो चुके हो तो ATC का मतलब बंदा आपको left right देने के लिए, मतलब established मतलब आप रनवे की सिधाई में हो और proper altitude पे हो land करने के लिए, but कभी कभी क्या होता है just आप localizer capture करते हो या aircraft just turn हो रहा होता है रनवे की सिधाई में तो हमको indication दिखा देता है वो कि lock capture हो चुका है, but ATC को दिखाता है कि हम still turn कर रहे हैं। So I might give this to the benefit of doubt कि aircraft को कि ATC को लग रहा है आप टर्न कर रहे हो, बट एक्चुअली आप टर्न कर रहे हो एस्टैब्लिश होने के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज सेड बाय द कंट्रोलर, यू आर 5 miles फ्रॉम touchdown, descend to 3500 feet। तो चार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एट 6 miles यू हैव टू बी 2000 feet, और यहाँ पे कह रहा है कि यू आर 5 miles फ्रॉम टच डाउन डिसेंड टू 3500 feet, मतलब कि एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत हाई आ रहा है, इट इज़ नॉट एट द प्रिस्क्राइब्ड ऑल्टीट्यूड फॉर लैंडिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि ILS होता है यू आर एट अलाइन विद द रनवे इन द सेंटर लाइन और आप करेक्ट हाइट पे आ रहे हो, बट कभी कभी एक फॉल्स ग्लाइड स्लोप नाम की भी एक चीज़ होती है। पहले वो आना थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आपकी हो गई ग्लाइड स्लोप जिस पे एयरक्राफ्ट को होना चाहिए फॉर नॉर्मल लैंडिंग, बट दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप। सो व्हेन द कंट्रोलर इज सेइंग यू आर 5 miles फ्रॉम टचडाउन डिसेंड टू 3500 feet, मतलब आप इससे भी ऊपर हो, एक्चुअली भाई 5 mile पे आपको होना चाहिए तकरीबन 1500 से 1600 feet पे, लेकिन आप हैं 3500 feet। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैप्चरिंग अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप। और अगर आप फॉल्स ग्लाइड स्लोप लेके आ रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत हाई होती है और आप रनवे पे इस पॉइंट पर टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे टच करेंगे, जो कि हो सकता है केस हुआ हो बिकॉज फर्स्ट इम्पैक्ट वॉज एट 4500 feet फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। नाउ जब आप ये सुनते हैं रॉजर पी के पाकिस्तान 8030, आप बैकग्राउंड मेकअप फिर से सुनिए, देयर विल बी अ चाइम टिंग डिंग 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 डिंग। सुना आपने टिंग डिंग 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 डिंग, दैट मींस कंटिन्यूस रिपीटेटिव चाइम हो रहा है। ये कब आता है? ये तब आता है एयरक्राफ्ट में जब कोई मेजर फेलियर होता है। अगर कोई इतना मेजर फेलियर नहीं है तो एक सिंगल चाइम आता है टिंग। अगर एयरक्राफ्ट में कोई मेजर फेलियर है तो रिपीटेटिव चाइम आता है टिंग डिंग 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 डिंग। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और बताऊँगा कि इसके पहले क्या हुआ होगा जो पिक्चर्स बताती हैं। इफ़ यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन यू विल सी बोथ द इंजन्स हैव अ ब्लैक लाइन एट द बॉटम, मतलब इंजन स्क्रेप है। बेली लैंडिंग एयरक्राफ्ट अटेम्प्ट कर चुका था। इफ़ यू सी दिस ग्राफ विच इज़ फ्रॉम द फ्लाइट रेडार, दिस इज़ द टेक ऑफ पॉइंट, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, क्रूज़ किया, शॉर्ट फ्लाइट थी, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लाहौर कराची का, ये टॉप ऑफ डिसेंट है, एयरक्राफ्ट ने डिसेंट किया। नाउ यू सी देयर इज़ अ टच, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट ने ग्राउंड को टच किया, दोबारा उसने टेक ऑफ किया, और जब ये सेकेंड लाइन दिख रही है आपको, दिस इज़ द क्रैश अनफॉर्चुनेटली। तो एयरक्राफ्ट एक बार दोबारा पहले लैंड हो चुका था, दोबारा उसने गो अराउंड किया, सी अप्रोचिंग कराची, अबॉर्टेड लैंडिंग, मतलब उसने ट्राई किया लैंड करने का, नहीं हो पाया, दोबारा टेक ऑफ किया और दोबारा आके लॉस्ट कॉन्टैक्ट एंड क्रैश्ड है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिनेरियो। ये देखिए, ये यहाँ पे टच हुआ और जो बाद में पिक्चर्स आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इंजन स्क्रैप दिखा रहा है। सो द गैस इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गैस वुड बी जब एयरक्राफ्ट टच हुआ उसके इंजन्स रनवे से टच हो गए। नाउ इफ़ यू सी दिस फोटो, यूजली दिस इज़ द एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर, अगर ये लैंडिंग गियर डाउन होते हैं देर इज़ नो वे इन द इंजन कैन टच, बट द एजम्पशन और द मोस्ट इंटेलिजेंट गैस विच वी कुड टेक इज़ जब एयरक्राफ्ट पहले लैंड हो रहा था, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, लैंडिंग गियर वॉज नॉट डाउन और इट वॉज नॉट लॉक्ड, सो वेन द एयरक्राफ्ट टच डाउन यहाँ पे इंजन जमीन से छुए, इंजन पे कॉन्टैक्ट हुआ, इंजन पे मेटल स्क्रेपिंग हुई और डैमेज हुआ। अब एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेन लैंडिंग गियर खुले हुए थे, नोज लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप वीडियो पूरा देखिए, थोड़ी देर बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा बिकॉज वो तभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ।
अगर मेन लैंडिंग गियर भी खुले हुए थे और नोज लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था तो ऑब्वियसली द नोज विल डिप डाउन ऑन लैंडिंग एंड इंजन्स विल टच द ग्राउंड. नाउ बोथ कैन बी अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्क्रैच मार्क सजेस्ट द फर्स्ट टच डाउन विद लेफ्ट इंजन एट 4500 फीट डाउन फॉलोड बाई बोथ इंजन एट 5500 फीट डाउन. आइडियली एन एयरक्राफ्ट शुड टच डाउन बाई 1500 फीट डाउन द रनवे इफ द स्पीड इज एज पर डिफाइंड प्रोसीजर. ऑल्सो ये जो बेली लैंडिंग हुई थी ये पहले हो चुकी थी, उसकी रिकॉर्डिंग ये नहीं है जितना मुझे लगता है. ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, एयरक्राफ्ट एक बार आया, बेली लैंडिंग कर गया, गोराउंड मारा, दोबारा वो आईएलएस पे आता है और उसके बाद की ये रिकॉर्डिंग है. अब हम लोग एक काम करेंगे, ये रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू नाउ. सो नाउ बेली लैंडिंग हो चुकी है, इंजन्स में स्क्रेप पड़ चुका है. ऑब्वियसली पायलट्स के दिमाग में ये है कि उनका टच डाउन हुआ है, एयरक्राफ्ट की बॉडी ज़मीन पर लग चुकी है, डैमेज हो चुका है एयरक्राफ्ट को, दे वॉन्ट टू कम बैक एंड लैंड एसैप, पुट द एयरक्राफ्ट डाउन एसैप बिकॉज दे आर अवेयर दैट एयरक्राफ्ट में कुछ डैमेज हुआ है. फ्रॉम वॉट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, उन्होंने दोबारा से फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर ली थी. फर्स्ट टाइम भी फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की होगी बट इस बार तो उन्होंने डेफिनेटली फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की है. सो द पायलट्स आर कॉन्फिडेंट कि वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन आईएलएस 25F एंड वी आर गोइंग टू लैंड. ATC ने पायलट्स को याद दिलाने की कोशिश की. ATC कभी ये नहीं कि बोलेगा कि आप गलत आ रहे हैं. They will never question the pilots. They will always try to tell him to think again. But I think the pilots were so preoccupied क्योंकि एक बार already उनकी landing में कुछ failure हो चुका है. Landing gear problem उनका पहले ही था जो हमें नहीं पता because इसमें वो discussion नहीं है. But हम assume कर रहे हैं कि landing gear में problem थी तभी engine touchdown हुआ, belly landing हुई. Now pilots के दिमाग में बहुत stress है. सो एज अ पायलट आई ऑलवेज थिंक कि 5 माइल मुझे 1500 होना चाहिए बट ATC कह रहे हैं कि मैं 3500 फीट हूँ तो मैं बहुत हाई हूँ. दैट विल क्लिक अ बेल इन माई हेड. बट इस सिचुएशन में ह्यूमन फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो कि हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं समझ सकते. जब आप ऊपर होते हैं बहुत स्ट्रेस होता है दिमाग में और आई एम श्योर जब ATC ने उनको बोला होगा, ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन्होंने वो सुनी नहीं होगी बिकॉज दे मस्ट बी ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन द कॉकपिट एंड यू आर क्लोज टू द ग्राउंड, यू आर अप्रोचिंग द रनवे, बहुत कुछ चल रहा होता है एंड थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट. द फर्स्ट सेंस विच यू लूज व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस इज योर सेंस ऑफ हियरिंग. मतलब आप कट ऑफ कर देते हो कुछ और सुनना क्योंकि आप इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हो. दिस इज द फर्स्ट बेसिक लेसन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन एविएशन. तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा रॉजर, उनको लगा ATC ने कुछ नॉर्मली बोला है क्योंकि नॉर्मली ATC बोलता है 5 माइल पर ऑल्टीट्यूड है, हम लोग बोलते थे रॉजर. तो ATC ने उनको बोला यू क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 25 लेफ्ट. रॉजर पाकिस्तान 83 8303 एंड बैकग्राउंड में टिंग 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 टिंग. आई विल एक्सप्लेन टू यू कि टिंग 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 क्या हुआ हो सकता है. फर्स्ट लैंडिंग में इंजन स्क्रिप हुए, इंजन भी डैमेज हुआ, अब वो लोग लैंडिंग करने आ रहे हैं. मेरे ख्याल से ये इंजन की वार्निंग थी कि इनकी इंजन में फायर हो गया है या तो इंजन फ्लेम आउट हो गया है और दोनों इंजन सब काम करना बंद कर देते हैं इस पॉइंट पे, विच इज़ अ वेरी वेरी स्केरी सिचुएशन फॉर एनी पायलट. 9878 ओके PK 8303 गोइंग अराउंड. मतलब गोइंग अराउंड इज अ प्रोसीजर व्हेन पायलट ओपन्स फुल थ्रॉटल, फुल पावर देते हैं वो इंजन्स में, इंजन्स फुल पावर प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप लैंडिंग के लिए ऐसे आ रहे थे आप यू अगेन गेन ऑल्टीट्यूड, यू क्लाइंब अप एंड यू कम बैक फॉर लैंडिंग. अब इस केस में दिस इज अगेन माई अंडरस्टैंडिंग, माई गेस विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आई हैव. जैसे ही उनको टिंग 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 बजा, उन्होंने इंस्टिंक्टिवली पावर डाली और उन्होंने कहा कि हम ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम गो अराउंड करेंगे और दोबारा लैंडिंग के लिए आएंगे. और यू मस्ट भी थिंकिंग कि दोनों इंजन्स अगर फेल हो रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते भी आगे. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई टी टी सी कि आप दोबारा 3500 फीट क्लाइंब करें और वहाँ जाके हमें रिपोर्ट करें.
कम अगेन फॉर ILS 2511. एयरक्राफ्ट ने कहा कि हम दोबारा लैंडिंग के लिए आने की कोशिश करेंगे. यू वुड लाइक टू कम अगेन फॉर ILS 2511. तो गाइस यहां पे आपको मैं एक और छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहूंगा. दिस इज द रनवे 25 लेफ्ट जहां पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा था. दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, जो मैंने हेडिंग से दिया हुआ 270090 साउथ 180. ये एयरक्राफ्ट आ रहा था, इसने गो राउंड मारा. एयरक्राफ्ट ने कहा कि मुझे दोबारा आईएलएस के लिए आना, मतलब मेरे को दोबारा आप वेक्टर करके यहाँ पे डाल दो कहीं. मान लो ये पेज बड़ा है तो कहीं यहाँ डाल दो ताकि मैं दोबारा यहाँ से आके लैंड कर सकूँ. ATC ने बोला टर्न लेफ्ट, क्योंकि ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन ये होगा, टर्न लेफ्ट हेडिंग 110. सो 110 कहाँ पे होगा? अगर 090 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे, तो 110 कहीं यहीं पे होगा. तो ATC ने उसको कहा टर्न लेफ्ट हेडिंग 110. सो दिस वाज द इंस्ट्रक्शन. आई होप डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको. तो बेसिकली ATC का दिमाग में क्या चल रहा था, एयरक्राफ्ट को मैं यहाँ से घुमा के, तो इफ दिस इज द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन, यहाँ से घुमा के एयरक्राफ्ट को मैं यहाँ से ला के दोबारा उसको यहाँ डाल दूंगा इस डायरेक्शन में, ताकि वो लैंडिंग के लिए चला जाए. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ATC उसको बोलता है पाकिस्तान 8303 यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 feet. मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे 3000 क्लाइम करने को, बट आप 2000 feet पर ड्रॉप हो रहे हो. दिस सेंटेंस मेक्स मी श्योर कि पायलट्स हैड लॉस्ट बोथ इंजन्स. वाई ऐसे बोथ इंजन्स एंड नॉट वन इंजन? दोनों इंजन्स के नीचे पे स्क्रैपिंग थी, दोनों इंजन्स डैमेज हुए थे जब उन्होंने गो राउंड मारा. सो गो राउंड में क्या है गाइस, पूरी इंजन की पावर लगती है एंड इंजन रन एट फुल कैपेसिटी. अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा चांसेस हैं कुछ फेल होने के. अगर आपका गाड़ी का इंजन ख़राब है और आप 40 की स्पीड में चला रहे हो, मे बी इट विल सर्वाइव, बट ना इफ अगर पूरा एक्सीलेटर आप क्रैंक कर देते हो कि गाड़ी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना है, गाड़ी टूटी हुई है बट फिर भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना है, चांसेस ऑफ फेलियर आर मच मच मोर. एक भी इंजन अगर एयरक्राफ्ट का सही होता तो एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड लॉस नहीं करता. द एयरक्राफ्ट इज फुल्ली केपेबल ऑफ फ्लाइंग विद वन इंजन फेल्ड एंड वन इंजन फंक्शनल. द एयरक्राफ्ट वी फ्लाई और एयरक्राफ्ट यू फ्लाई आर फुल्ली सर्टिफाइड फॉर फ्लाइंग ऑन वन इंजन, बट यहाँ पे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, इसीलिए द एयरक्राफ्ट इज ड्रॉपिंग ऑल्टीट्यूड. सो आई थिंक द पायलट रियलाइज कि वो 3000 क्लाइम नहीं कर पाएंगे. ही आस्क फॉर अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जस्ट आई वॉन्ट टू मेंटेन 2000 feet. Now, the controller again says mode Charlie showing 1800 feet. I will not go into what is mode Charlie, but uske instrument mein dikha raha tha ki aap 2000 bhi maintain nahi kar pa rahe. So now what I think is pilots realize 3000 climb karna nahi kar sakte, 2000 maintain karte hain. But now since they had lost or they were losing power on both the engines, ho sakta dheere dheere boom 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 karke power ja rahi ho, they were not even able to maintain 2000 feet. Or the aircraft was dropping altitude, ab 1800 feet aa chuke the, and this was a concern for the ATC. And they were constantly trying to tell pilots कि आप altitude lose कर रहे हो. Copied, we are now maintaining, we are trying to maintain, not very confident. And 803 approach. जी सर. Appears to be turning left. Inaudible in the transcript. What I believe the pilot says, affirm sir. तो कभी कभी हम लोग affirm, copied, जो लोग मुझसे WhatsApp पे बात करते हैं मैं उनको लिख देता हूँ कॉपेड अफर्म रॉजर. आई यूज दैट टर्मिनोलॉजी इन माई जनरल डे टू डे लाइफ. सो आई थिंक द पायलट सेड अफर्म सर. कंट्रोलर ने पूछा यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट, अफर्म सर. जस्ट माई एनालिसिस ट्राइंग टू एक्सप्लेन वॉट माइट हैव हैपेंड. दिस वॉज द रनवे, एयरक्राफ्ट कहीं यहाँ से आ रहा था. यहाँ पर उसने कहा कि मैं गो राउंड कर रहा हूँ, मैं लैंड नहीं कर पाऊँगा. एयरक्राफ्ट ATC ने कहा कि ओके टर्न लेफ्ट हेडिंग 110 ये थी, ठीक है. एयरक्राफ्ट ने कहा कि मैं 2000 मेंटेन करूंगा, उसने कहा 2000 भी नहीं कर पा रहा, फिर मैं 1800 पे गिर रहा हूं. नाउ आई थिंक व्हाट द एयरक्राफ्ट डिड वाज एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टर्निंग इन दिस डायरेक्शन. ATC ने उसको कहा था मेंटेन हेडिंग 110, ATC वांटेड हिम टू गो इन दिस डायरेक्शन. ATC का प्लान था कि थोड़ा यहाँ पर ले जाऊँगा, फिर दोबारा यहाँ टर्न दे के, फिर टर्न दे के उसको मैं इस पाथ पर डाल दूंगा, सो दैट ही बिकम्स अलाइंड विद द रनवे टू लैंड. बट वॉट आई थिंक द पायलट्स रियलाइज कि बॉस इंजन में पावर नहीं है, दोनों इंजन बोल चुके हैं हम मैं ये पाथ तो नहीं ले सकता किसी भी हाल में.
Now pilots wanted to turn back to the runway as soon as possible, so he turned left like this. That's why the ATC said, "Sir, you appear to be turning left." Those are the very important words. "Sir, you appear to be turning left," contrary to the ATC instructions. "We'll be proceeding direct, sir. We have lost engines." Now the pilot says, "We'll be proceeding direct. We have lost engines." What does he mean when he says we'll be proceeding direct? Matlab, main yahan se turn karke yahan direct landing ke liye ja raha hoon. I don't want to do the whole ILS procedure which takes me out like this, this and this. I do not have time to complete this procedure. I'll be going direct like this for the landing. "Confirm, you are carrying on belly landing." Now this is also a very important statement. When ATC says confirm you are carrying on belly landing, no, ATC ka matlab hi nahi banta hai puchne ka ki bhai tum belly landing, tum kuch bhi karo. ATC का मतलब ही नहीं बनता पूछने का. नाउ व्हाई आई थिंक दिस वाज आस्क्ड बाय द कंट्रोलर, बिकॉज इससे पहले जो लैंडिंग की थी उसने जहाँ पे इंजन स्क्रैप हुए थे वो एक बेली लैंडिंग थी. दैट्स व्हाई द कंट्रोलर आस्क अगेन, कंफर्म यू आर कैरिंग ऑन बेली लैंडिंग, बिकॉज अगर दोबारा से बेली लैंडिंग होती है तो फायर के चांस होते हैं, क्योंकि मेटल जब कॉन्क्रीट से टकराएगा या एसफॉल से टकराएगा फायर के चांस होते हैं. इंजन्स के ऊपर विंग्स होते हैं, विंग्स में फ्यूल होता है, तो फायर एक्सप्लोड होने के चांस होते हैं. सो द ATC हैज़ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स विद fire trucks and all the emergency services. They were preparing themselves. I think that's why they asked this question. Now when the ATC knew ki emergency ho chuki hai, he said runway available to land 25. Roger. Roger. Mayday, Pakistan 830. Now the pilot says mayday, mayday, mayday. Mayday is an emergency call. That means now you need, this is an emergency situation. और मेडे तभी आप अनाउंस करते हैं जब आपके दोनों इंजन चले जाएं. अगर आपका एक इंजन जाता है देन यू से पैन पैन पैन, विच इज़ अ अर्जेंसी सिचुएशन. सो व्हेन ही सेज मेडे ऑब्वियसली दिस गाय इज द प्रायोरिटी, ही विल स्टॉप ऑल अदर ट्रैफिक. अब ATC की प्रायोरिटी है कि भाई इस बंदे को मैं लैंड कराऊँ. वो सब कुछ बंद कर देगा एयरपोर्ट में, बस इस बंदे को उसको लैंड कराना है, उसकी प्रायोरिटी है. That was the last communication heard from Pakistan 8303. उसके बाद से कोई contact नहीं हुआ. There was a video which was shot by some cameras which you can see that when the aircraft is coming down, उसका rate of descent बहुत ज़्यादा है, उसका angle बहुत steep है. जब आप देखेंगे aircraft land करते इतना steep angle नहीं होता, इतनी तेज़ी से वो नीचे नहीं आते. ऑब्वियसली देर इज़ नो पावर इन द इंजन्स, दैट्स व्हाई द एयरक्राफ्ट इज जस्ट फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. एक और चीज़, जब दोनों इंजन्स फेल हुए, आप देखेंगे इस पिक्चर में एक चीज़ होती है रैट, विच इज़ कॉल्ड द रैम एयर टर्बाइन. व्हेन बोथ इंजन्स फेल, इंजन्स प्रोवाइड यू पावर फॉर फ्लाइंग, फॉर थ्रस्ट, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड यू लॉट ऑफ अदर फंक्शंस लाइक एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक्स. सो जब सब कुछ फेल हो जाता है, सो द ओनली लास्ट रिजॉर्ट लेफ्ट विद द एयरक्राफ्ट इज टू एक्सटेंड अ रैम एयर टर्बाइन विच इज कॉल्ड द रैट. आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, दिस इज़ अ मिनी इंजन विच इज़ द लास्ट होप. ये बहुत ही मिनिमम इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक पावर देता है एयरक्राफ्ट को, ताकि आपके पास कुछ तो रहे और आप मनूवर करके जहाज को लैंड करा सकें. इस पॉइंट पे जब एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा था लैंड करने के लिए, उसके पास दोनों इंजन्स नहीं थे, इट वॉज डिसेंडिंग डाउन फास्ट, बिकॉज आई थिंक ये डिस्टेंस उसके लिए कवर करना बहुत मुश्किल था. एंड आई बिलीव द एयरक्राफ्ट क्रैश समवेयर हेयर इन द मॉडल कॉलोनी विच वॉज अ रेसिडेंशियल कॉलोनी. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैपेंड, बोथ इंजन फेलियर, लॉस ऑफ पावर. अगर एक भी इंजन होता तो वो डायरेक्ट पहुंच जाते. सो दैट इज़ माई एनालिसिस व्हाट आई थिंक. दिस वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू, किसी कंक्लूजन पर नहीं आ रहा हूँ. ये आसान नहीं था, बहुत बार हमने टेप सुने. फिर एक बेस्ट गैस और एक बेस्ट एस्टिमेट जो मुझे लगा कि क्या हुआ होगा, मैंने वो रिक्रिएट करना चाहा अपने ऑडियंस के लिए, बिकॉज बहुत लोग एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत लोगों को जानना होता है कि क्या हुआ. विल वेट फॉर द ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टू कम, इसमें टाइम लग जाएगा बहुत सारा. जब भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, कभी भी आएगी, आई विल ट्राई टू टेल यू गाइज कि ऑफिशियली क्या हुआ था उस फ्लाइट में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रेस्ट इन पीस टू एवरीवन on that flight PK8303. Also jalte jalte ek request, comment section mein please be a little sensitive and please be a little generous, because a lot of people lost their lives. I don't want you guys to type anything which people might not like. So yeah, thank you for watching this video. Kal se regular vlog apna. Thank you.
अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो ये जो है आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 5 दिन पहले, पाकिस्तान में जो है PIA का प्लेन क्रैश हुआ था। मैंने जो है मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारी इमोशनल वीडियोस देखी हैं, मुझे इतना यानी कि फील होता है, लेकिन मेरी आंखों में ना कभी आंसू नहीं आए। लेकिन ये वीडियो देख के ना वाकई मैं भी आज रो पड़ा। और मेरे मैं ना यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मेरे ना फेसबुक पे एक फ्रेंड है, उसने मेरा एक फ्रेंड है, उसका आगे से फ्रेंड इसमें फ्लाई कर रहा था, वो भी इसमें इस प्लेन में था, और उसने ना स्टेटस अपना लगाया हुआ था कि 2 महीने बाद मैं लॉकडाउन के बाद अपने घर वापस। शायद ये अब तक की जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वीडियो है हमारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ी इमोशनल टाइप हूँ, बट जिस तरीके से हम लोग की कम्युनिकेशन सुन रहे थे, ऑनेस्टली मैं अगर इमेजिन करूँ उस टाइम पे, तो बहुत मुश्किल लगता है कि आपके सामने एक I'm sorry, मुझे बोला नहीं जा रहा, मतलब आपको पता हो कि आपकी आंखों के सामने एक आपकी मौत खड़ी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, और उस टाइम पर जो पायलट है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है और इतने सारे लोगों की जानों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो आसान नहीं है। मुझे मेरे पास आज की वीडियो के वर्ड्स नहीं है, और जहाँ तक मैं गौरव तनेजा सर की बात करूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एंड ऑनेस्टली मैं कभी भी इस तरह की इतनी इमोशनल चीज़ें इसीलिए नहीं देखती क्योंकि मेरे से कभी कंट्रोल नहीं होता। मैं एक्चुअली जब जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था, मैं उस दिन से लेकर 2-3 दिन तक सारी जो है न्यूज़ मैं सुनता रहा। उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की, इन्होंने मुझे कहा भी कि लोग इस तरह कह रहे हैं, तो मैं इन्हें टालता रहा कि ठीक है देखते हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे था मालूम कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मुझे ये भी कंफर्म था इन्होंने जो प्लेन क्रैश होने का सीन जो है वो भी ज़रूर डाला होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया था जो प्लेन क्रैश हुआ था। बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के घरों के ऊपर जाके जहाज़ गिरना, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर प्लेन क्रैश कर जाए, बहुत 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 खौफनाक मंजर है। और जैसे वीडियो में जो इन्होंने एंड पे एक क्लिप जोड़ा है, उसमें बकायदा दिखाया भी गया कैसे लपटें जो है आग, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है, साथ ही कितनी ज़्यादा जो है वो लपटें उठी हैं, और वहाँ पे रिहायशी लोग भी हैं वो भी इसकी लपेट में आए हैं। ऐसी वीडियोज देखी हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिली जो है इस प्लेन क्रैश में गुजर गई है, और लोग वहाँ पे सड़कों पे बैठ के जो वहाँ के रहायशी थे वो रो रहे थे वाकई में, क्योंकि ये ऐसा हादसा है जो वाकई में एक मुझे लगता है शायद ही कोई इंसान हो जो इसके बारे में सोच के उसकी आँख में आंसू ना आए हों, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम घरों में बहुत महफूज हैं, हम अपने घर में हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ में इस तरह के हादसे हो जाते हैं कि आपको लगता है आप कहीं पर भी महफूज नहीं हैं। अगर बात करें गौरव सर की, तो गौरव सर भी बीच में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे थे, उन्हें नज़र आ रहा था कि वो भी इस हादसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो भी एक पायलट हैं और वो समझ सकते हैं कि उस टाइम पर पायलट के ऊपर कितना प्रेशर होगा और वो क्या सोच रहा होगा। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि पीछे से बीप 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 की आवाज़ आ रही थी कि अभी इस टाइम पर इमरजेंसी है, लेकिन कंट्रोल रूम से उनको बोला भी गया लेकिन उन्होंने सुना नहीं उस टाइम पर, क्योंकि वाकई में ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कुछ ना ऐसे हड़बड़ी में होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें से जो दूसरा बंदा बोल रहा होता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर रहा होता। बट एनीवे जिस तरीके से गौरव सर ने समझाया बहुत अच्छा तरीका था, और वाकई में चीज़ें समझ में भी आई और जो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती थी वो भी उन्होंने डिस्कस की, एंड वेल मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत सारी ऐसे बातें भी बाद में सुनने को मिली जो कि बहुत सारी उसमें मतलब एक मॉडल भी थी ज़ारा, उनको मैंने बाद में सुना कि उनको बहुत डर लगता था, हाँ उनको प्लेन में सफ़र करने से बहुत डर लगता था और वो हादसा उनके साथ हो गया। और इस प्लेन क्रैश में चमत्कारी रूप से 2 लोग बच भी गए, बिल्कुल 2 लोग बच गए, फिर उसके अलावा पूरी पूरी फैमिलीज उनसी थी उनकी डेथ हो गई। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे बहुत सारे
बाद में ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भेजी कि मॉडल ज़ारा, नहीं कंडोलेंस तो डेफिनेटली भेजी, मॉडल ज़ारा के लिहाज से कि लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं उनके प्रोफेशन को लेकर ब्ला 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 ब्ला। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, मैं नहीं पता कि अगली सांस हम लोगों ने लेनी है या नहीं लेनी। तो जो लोग ट्रॉलिंग करते हैं या कुछ भी अपनी तरफ से सोच रहे होते हैं ना कि किसका एंड पर क्या होना है, तो प्लीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि इन चीज़ों के बारे में आप सोचना बंद कर दें, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि सेकंड मिनट में आप यहाँ पर हैं या नहीं है। तो किसी के बारे में बात करने इससे पहले मैं कहूँगी कि एटलीस्ट कुछ ऐसे काम और ऐसी सोच रखें कि जाने के बाद आपको लोग याद रखें। वेल, अभी हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हमारे पास और मेरे पास तो बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। और अगर मैं बोलूंगा तो हम दोनों से फिर मजीद वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जो है ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, लोगों की फैमिलीज को देखा है, फिर उसके बाद मैंने पर्सनली शुरू में एक चीज़ भी शेयर कर दी, तो बहुत ज़्यादा ये जो है चीज़ें एंड ऑनेस्टली डिप्रेसिंग है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा इस वीडियो में इमोशनल होने वाली, मुझे भी था। मुझे भी नहीं था मालूम कि मैं भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा कि यानी कि मैं पहले भी हो जाता हूँ चीज़ों को लेके, दिल से जो है ना यानी कि दुख होता है, अफसोस होता है, दिल से रोना आता है, लेकिन कभी काफ़ी अरसे बाद इन्होंने भी मेरी आंखों में आंसू देखे होंगे, वरना मैं रोता नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लास्ट वाला था ना कि जब कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है और आगे से आवाज़ नहीं आती, वो चीज़ बहुत ज़्यादा। वेल, ये होती है हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें इजाज़त और अमेरिकी अपनी दुआ में याद। गुड बाय।